Hey all, welcome to Mathix. Today we are going to start our new learning program in which we will give our best to those students who are in class 9 to 12 and many other competitive exams like NTSC, KBPY and JEE Mains. Basically, आज हम NCERT Maths class 10th start करेंगे जिसमें हमारा पहला chapter है real number. So we will talk about numbers. According to numbers, we will talk about natural number, whole number, integers, rational numbers. Rational numbers के बारे में हम ज़्यादा broad में बात करेंगे और real numbers के बारे में sorry, because the topic is the real number. Natural number क्या होते हैं? All positive integers. मतलब इन्हें positive integers भी हम कहते हैं, counting numbers भी कहते हैं. ये होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं हमारे, उन्हें नेचुरल नंबर्स कहते हैं. और होल नंबर वो होते हैं जो नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, जैसे 1 से इन्फिनिटी प्लस 0. 0 को जब हम मिला लेंगे तब वो होल नंबर हो जाएंगे. इंटीजर्स, इंटीजर्स ऑल द नंबर्स. दिस इज़ द सेट ऑफ ऑल होल नंबर प्लस ऑल द नेगेटिव नंबर्स. मतलब इसमें नेगेटिव भी होते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू और माइनस इन्फिनिटी टू. बेसिकली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं. रेशनल नंबर्स, दिस इज ऑल द फ्रैक्शन वेयर द टॉप एंड बॉटम नंबर्स आर इंटीजर. एग्जांपल 1/2, 7/2, 3/4, -2/3. एंड वी कैन एक्सप्रेस द रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्यू डज नॉट इक्व टू 0. इफ क्यू इज इक्व टू 0, इफ क्यू इज इक्व टू 0 then it will give us infinity, where infinity means undefined, does not exist. जब कोई exist ही नहीं करेगा, कुछ होएगा ही नहीं, तो उससे मतलब क्या है? Real numbers. Basically we will talk about real numbers in broad. This includes all the number that can written as decimals. जो decimals में लिखे जाते हैं उन्हें real numbers कहते हैं. This includes fraction written in decimal, example 0.5, 0.75, 0.732, -0.33 एक्सेट्रा. एंड इरेशनल एज वेल. मतलब रियल नंबर्स में रेशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं. रेशनल वो होते हैं जो पॉइंट डेसिमल्स में लिखे जाते हैं, और इरेशनल वो होते हैं जैसे √2, √3, √5, π एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एवरी रियल नंबर करस्पॉन्ड टू अ पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. मतलब किसी भी रियल नंबर कोई भी रियल नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है. सो वी विल टॉक अबाउट properties of real number. Properties of real numbers. अब हम बात करेंगे properties of real numbers. Basically हम इन्हें दो parts में divide करते हैं. फ्लो चार्ट बना लेते हैं तब ज़्यादा सही रहेगा. दो part में divide करते हैं. पहला Euclid division lemma. Euclid's डिवीज़न लेमा. एंड सेकेंड वन इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. इन यूक्लिड डिवीज़न लेमा वी हैव गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, where a is equals to bq plus r, where r belongs to 0 to b. Euclid division algorithm is a technique to, इससे basically हम SCF find करते हैं, to compute the SCF. अब SCF क्या होता है? SCF हाईएस्ट, जो हम फिफ्थ सिक्स क्लास में निकाला करते थे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यही सब होता है. तो इससे हम SCF, किसी दो नंबर्स के बीच SCF फाइंड करना हो तो हम डिवीज़न एल्गोरिदम लगा सकते हैं, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम लगा सकते हैं. इसका प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर सिंपल सा है. स्टेप वन में क्या करते हैं, पहले हम इसमें जैसे सी एंड डी हमें दिया हुआ है, वेयर सी ग्रेटर देन डी, तो अकॉर्डिंग टू
एज अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा सी इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर हो जाएगा, वेयर आर बिलोंग्स आर जीरो टू डी लाई करेगा। स्टेप टू में क्या हो जाएगा, इफ आर इक्वल्स टू जीरो, मतलब आर अगर जीरो होगा तो सो डी इज इक्वल्स डी, सो सी इज इक्वल्स टू डी एंड विच इज द एस सी एफ, विच इज द एस सी एफ ऑफ सी डी, मतलब इफ आर इज इक्वल्स टू जीरो देन एस सी एफ ऑफ सी डी इज डी। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द रिमाइंडर बिकम्स जीरो। अब एक इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल इफ हमें मान लो निकालना है 4, 5, 2 एंड 1, 2, 5, 7, 6 इन दोनों के बीच में हमें एस सी एम फाइंड करना है, इन दोनों के बीच में हमें एस सी एफ फाइंड करना है। एज वी नो 1, 2, 5, 7, 6 ग्रेटर देन 4, 0, 5, 2 हमें पता है कि ये ग्रेट पड़ा है इससे, सो प्रोसीजर लगाएं 1, 2, 7, 5, 7, 6 इज इक्वल टू 4, 0, 5, 2 इंटू 3 प्लस 4, ये रिमाइंडर आ जाएगा। अब 4, 0, 5, 2 का फैक्टर करेंगे, 4, 0, 2 इंटू 9 प्लस 2, 7, 2 ये रिमाइंडर आ जाएगा। अब 4, 2, 0 इज इक्वल टू 2, 7, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2, 4 1, 2, 4, 2, 7, 2 इज इक्वल टू 1, 4, 8 इंटू 1 प्लस 24 24 इज इक्वल टू 1, 4, 8 1, 4, 8 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। अब यहाँ रिमाइंडर 0 हो गया टिल दी, यहाँ दिया था द प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 हो गया मतलब यहाँ जो 4 आया अपना ये दिस इज द एच सी एफ सिंस एच सी एफ इज 4। अब बात कर लेते हैं थोड़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में, क्या होता है ये। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ प्राइम, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, सॉरी एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं किन्हीं दो प्राइम्स का प्रोडक्ट जो होएगा उसे कंपोजिट नंबर कहेंगे। कोई ऐसा नंबर जिसमें दो प्रोडक्ट का दो दो प्राइम्स का प्रोडक्ट हो उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम्स। और इसका बेसिक सब होता है, इफ बेसिक प्रोसीजर होता है, इफ पी इज अ प्राइम नंबर, पी इज अ प्राइम नंबर देन इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी आल्सो डिवाइड्स ए, मतलब अगर कोई प्राइम नंबर दिया हुआ है हमारे पास तो अगर मान लो हमारे पास पी प्राइम नंबर दिया हुआ है देन इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर, मतलब पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन इट इज कंपल्सरी डैट पी ऑल्सो डिवाइड ए, मतलब ये कंपल्सरी हो जाएगा कि पी ए को भी डिवाइड करे। दिस इज ऑल अबाउट नंबर। अब आगे हम बढ़ते हैं और थोड़ा और देखते हैं, एग्जांपल्स कर लेते हैं पहले, एग्जांपल्स कर लेते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के, फिर आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज पे। एग्जांपल 1 करते हैं, एनसीईआरटी का है ये। सो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर
so that every positive even integer is of the form 2k, and that even positive integer is in the form of 2q plus 1, where q is some integer. Where q is some integer, ये हमें बताना है. या सो डैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q, एंड दैट इवन पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1, वेयर q इज सम इंटीजर. सॉल्यूशन, इसमें पहले हम क्या करते हैं, बेसिकली लेट ए बी एन इंटीजर, ए को इंटीजर मान लेंगे एंड बी को 2 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ हमें दिया है 2q, डिवीजर 2 दिया है तो बी को 2 मान लेंगे. और हमें पता है कि जो आर है वो 0 to 2 लाई करेगा, ठीक. सो ए इज इक्वल टू 2q, ए इज इक्वल टू 2q एंड 2q प्लस 1. 2q कब होगा, जब आर इज इक्वल टू 0 होगा, और 2q प्लस 1 कब होगा, जब आर डज नॉट इक्वल टू 0 होगा. सिंस इफ ए इज फॉर्म ऑफ क्यू, ए इज फॉर्म ऑफ 2q, देन ए इज इवन. जब ए 2q के फॉर्म में होगा तो ए इवन होगा, ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर. ऑल्सो पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्स आइदर इवन और ऑड, देयरफॉर पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1, देयरफॉर पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 2q plus 1. ये प्रूव हो जाएगा. अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एनसीईआरटी का ये भी है. सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q plus 1, इज इन द फॉर्म ऑफ 4q plus 1, 4q plus 3, where q is some integer, where q is some integer. Solution, इसमें भी वही करना है, let a is positive integer, and इसमें divisor दिया 4, since b is equal to 4 हो जाएगा, simple सा. और where r जो होगा 4 का, r 4, 0 to 4 belong करेगा. सिंस दी पॉसिबल रिमाइंडर, इसमें पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो जाएंगे, पॉसिबल रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 हो जाएंगे. पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0, 1, 2, 3, दैट इज ए कैन बी 4q और 4q प्लस 1 और 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3. ये क्वेश्चन हो जाएगा अपना 4, सिंस ए इज ऑड, सिंस ए इज ऑड, ए कैन नॉट बी, यहाँ दिया है ए ऑड है तो ए कैन नॉट बी 4q प्लस 4q प्लस 2 नहीं होगा, ये दोनों नहीं हो सकते. सिंस ए इज इन द फॉर्म ऑफ, ए इज इन द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3, ये अपना प्रूव. अब दूसरे एग्जांपल को लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 NCERT. इसमें दिया अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फी. तो ये बात हुई ना, ए स्वीट सेलर, लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा, अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीज. आधे लोग तो क्वेश्चन इसे पढ़ के ही सॉल्व कर देंगे. 120 बादाम बर्फीज, कितनी अच्छी बर्फी दी हुई है. सी वॉन्ट्स टू स्टॉक देम इन सच अ वे डैट ईच स्टॉक हैज़
सेम नंबर, मतलब हमारे पास दो टाइप की बर्फी दी हुई है, काजू बर्फी एंड बादाम बर्फी। काजू बर्फी जो दी हुई है वो 420 है एंड बादाम 130 है। एक स्वीट सेलर है जो उसे स्टॉक करना है इन द सेम वे, सेम नंबर। तो वो कैसे करे कि उसका मतलब साथ में सब स्टॉक भी हो जाए बराबर बराबर और एरिया भी कम लगे, ट्रे का जो एरिया है वो भी कम लगे। सो बेसिकली हम वही करेंगे, अपना दोनों के बीच में एचसीएफ फाइन कर लेंगे, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डेट स्टॉक फॉर दिस पर्पज़। सिंपल सा है, दोनों के बीच में 420 एंड 130 के बीच में एचसीएफ फाइन कर लेंगे, लिस्ट नंबर हाई, लीस्ट फैक्टर पता चल जाएगा हमें, लीस्ट कॉमन फैक्टर पता चल जाएगा, एचसीएफ निकाल लेंगे। मतलब दोनों के बीच में तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। 420 इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 3 30, तो ये हो जाएगा 130 इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10, और ये हो जाएगा 30 इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0, 0 रिमाइंडर आ गया, सिंस ये हो गया एचसीएफ। ये हो गया एचसीएफ, सिंस एच सी एफ इज इक्वल टू 10, हेंस हेंस स्वीट सेलर कैन मेक स्टॉक ऑफ 10 ऑफ बोथ बर्फीज। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 1.1। एग्जाम्पल्स देख लिया आप लोगों ने, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बिल्कुल बेसिक सा है, बस थोड़ा बोरिंग सा है बिकॉज 1.1, लेकिन इससे आपके कंसेप्ट मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एच सी एफ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एच सी एफ ऑफ फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225। बेसिकली मैंने अभी आपको बताया कि कैसे एच सी एफ फाइंड करते हैं, वो तो एक बुकिश तरीका हो गया, एंड सेकेंड तरीका क्या है कि हम डिवीज़न मेथड से कर लेते हैं। डिवीज़न मेथड ज़्यादा इजी पड़ेगा, ये जैसे डिवीज़न बेसिकली हम लोग करते हैं इस तरह करेंगे, फिर 90 रिमाइंडर आएगा। अब रिमाइंडर आया ये जो है यहाँ लिखेंगे 135, यहाँ लाएंगे डिवीज़न डिविडेंड को, फिर करेंगे डिवाइड, तो यहाँ ये आया, फिर इसको यहाँ लिखेंगे, ये 90 हुआ, 290। सिंस दिस इज द एच सी एफ विच यू नीड टू फाइंड, सो एच सी एफ हो जाएगा, एच सी एफ इज 45। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसी तरह बी पार्ट दिया है 196 एंड 38220। उसके बाद इसी तरह सी पार्ट दिया है, ये आप लोग आराम से अपने आप कर लेंगे, मे बी वी नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। अब दूसरा क्वेश्चन से आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5। जैसे अभी हमने एग्जांपल में किया उसी तरह बिल्कुल, सी सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6Q+1, 6Q+3 एंड 6Q+5, where Q is some integer, where Q is some integer। तो फिर से हम वही काम करेंगे, let A be a positive integer, और हम देखेंगे यहाँ divisor क्या है, 6 है, तो B को 6 मान लेंगे, फिर where जो R है वो हमारा 6 तक लाई करेगा, 0 to 6, और reminders हमारे क्या हो जाएंगे, रिमाइंडर्स जो है हमारे पॉसिबल रिमाइंडर्स जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 तो 6 पे इक्वल नहीं लगा हुआ है।
सिंस ए इज इक्वल टू सिक्स क्यू और सिक्स क्यू प्लस वन और सिक्स क्यू प्लस टू और सिक्स क्यू प्लस थ्री और सिक्स क्यू प्लस फोर और सिक्स क्यू प्लस फाइव हो जाएंगे, ये हमारे ए की वैल्यूज़ हो जाएंगे। हाउएवर ए इज़ ऑड, ए को ऑड दिया हुआ है, सो सिंस ए कांट बी टेक वैल्यू ऑफ सिक्स क्यू प्लस टू सिक्स क्यू प्लस फोर विच इज डिवाइडेड बाई टू, डिविजिबल बाई टू होंगे तो ये इवन होंगे, डिविजिबल बाई टू होंगे तो ये इवन होंगे, ऑड तो होंगे नहीं इसलिए इन्हें नहीं लिया जाएगा। ऑल्सो सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस फाइव सिंस देयर फोर एनी ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस फाइव। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें तो सिंपल सा यही दिया हुआ है, दो दो नंबर्स दिए हैं, दो के बीच में एससीए फाइंड कर देना है बस। क्या दिया हुआ है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड, मतलब 616 मेंबर्स दिए हुए हैं जिसमें से 32 मेंबर्स के पीछे परेड करनी है। द ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, वॉट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। सिंपल सा है क्वेश्चन, दो नंबर दिए हुए 16 मेंबर्स ये दिए हुए हैं और 32 के साथ मार्च करना है, तो इन दोनों के बीच में एससीएफ फाइंड कर लेंगे। एज आई टेल यू दोनों के बीच में आराम से एससीएफ फाइंड कर लें, आंसर आ जाएगा। अब हम आगे मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, ये बिल्कुल ईजी था, आप लोग आराम से कर लेंगे, आई होप आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर्स। वही काम दोबारा करेंगे फिर और आगे बढ़ेंगे, लेट a इज पॉजिटिव इंटीजर, a को पॉजिटिव इंटीजर दोबारा मानेंगे और आपको दिया है डिवीजर 3 तो b को 3 मानेंगे और r लाई करेगा 0 to 3। वी नीड टू प्रूव इसमें थोड़ा डिफरेंस होना है बस, वी नीड टू प्रूव ए स्क्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m प्लस 1 एंड वी नो दैट b इक्वल टू 3 a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस r हो जाएगा फॉर सम इंटीजर्स ग्रेटर देन 0 एंड आर इक्वल टू रिमाइंडर 1 2 3 1 2 0 1 2। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 3q 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। नाउ कंसीडर ए स्क्वायर का वो हो जाएगा 3q का स्क्वायर और 3q प्लस 1 का स्क्वायर और 3q प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएंगे 9q स्क्वायर और 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 और 9q स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये 12q प्लस 4, तो इसे 3 इंटू 3q स्क्वायर
और 3 × 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 1, और ये हो जाएगा 3 × 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 4, तो ये हो जाएगा 3K1, 3K2 और 3K3। पेयर K1 = 3Q2, K2 = 3Q2 plus 2Q, and Q3 = 3Q2 plus 4Q1 plus 4 plus 1 sorry plus 1, since Q = 2, 3, 1 etc. and K1, K2, K3 are all integers. Since square of any positive integer, since square of any positive integer is in the form of 3m or 3m plus 1, ये हो जाएगा प्रूफ्ड। अब हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, इसमें दिया हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट the cube of any positive integer is in the form of 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें बताना है टू सो डैट अकॉर्डिंग टू EDL यूक्लिड डिवीजन लेमा एनी क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m plus 1, 9m plus 8। तो उसी तरह हम ए को पॉजिटिव इंटीजर एंड बी को यहाँ पर 3 मान लेंगे, क्योंकि हमें क्यूब निकालना है, डिवीजन 9 दिया है। सिंस लेट ए इज पॉजिटिव इंटीजर, ए को पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे एंड बी इज इक्वल टू 3। a = bq + r हो जाएगा, वेयर r बिलोंग्स टू 0 to b, वेयर r बिलोंग्स टू 0 to b। सो r इज इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 3 हो जाएगा, और r कैन बी इसके हो जाएंगे 1, 2, 3, 1, 0, 1, 2 रिमाइंडर्स। इफ केस वन करेंगे, इफ r इक्वल टू 0, केस वन, इफ r इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3 क्यों, दोनों साइड क्यूब करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, a³ = 9q² सिंस a³ = 9 × 3³, तो हो जाएगा a³ = 9m, 9m, इसको m मान लेंगे, 3 क्यूब इसको मान लेंगे हम m, वेयर m = 3q³ हो जाएगा। इसको अभी आगे यूज़ पड़ेगा। अब केस टू क्या होगा, केस टू हो जाएगा हमारे पास जब r को 1 मानेंगे, तो हमारे पास आएगा ये a = 3q + 1, दोनों साइड क्यूब कर देंगे, a³ = 3q + 1 का क्यूब, एज वी नो डैट a + b का क्यूब पता ही होगा सबको, तो a³ = 3q³ + 1 3 × 3 + 1 × 3 + 1, ये आ जाएगा। सिंस a³ = 27q³ + 1 + 27q² + 9q, और ये दूसरी लाइन इसी में कर देते हैं, 27q³ + 27q² + 9q + 1, तो ये हो जाएगा 9 a³ = 9 times of 3q³ + 3q² + q² + q + 1, a³ = 9m + 1।
कि हमारे पास आ जाएगा वेयर एम इज इक्वल टू, वेयर एम इज इक्वल टू 3q³ प्लस 3q² प्लस क्यू। अब केस 3 क्या होगा, r इज इक्वल टू 2 जब मानेंगे दिस विल बिकम एज इक्वल टू 3q + 2, ए क्यूब इज इक्वल टू इस क्यूब दोनों साइड क्यूब करेंगे ए क्यूब इज इक्वल टू 3q + 2, तो ए क्यूब हो जाएगा 3q³ प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यू, और ये हो जाएगा 2 3 क्यू + 1, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 27q³ + 8 + 54q² + 36q, तो ये हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू स्पेस कम इसीलिए मैं आगे लिख दे रहा हूँ 9 3q² + 6q² + 4q + 8, और ये हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 9m + 8, वेयर m इज इक्वल टू 3q³ + 6q² + 4q। देयरफॉर ए कैन बी एनी, देयरफॉर ए कैन बी any of the form 9m + 1 or 9m + 8, hence proved. ये प्रूव हो गया मेरा क्वेश्चन।